तो बढ़ते आज की खास खबर की ओर। मजदूर की बेटी बनी अफसर, महाराष्ट्र की एमपीएससी की परीक्षा पास कर परिवार का नाम किया रोशन। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किलों से लड़ जाते हैं और कामयाब होने तक नहीं रुकते। ठीक ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिंपूर तहसील के छोटे से गाँव पंडरवाड़ी की रहने वाली मजदूर की बेटी सालू सामराव की, जिन्होंने तमाम मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हुए मेहनत और लगन से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की परीक्षा पास की है। सालू ने अनुसूचित जनजाति वर्ग से ग्रुप सी की परीक्षा में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। एग्जाम पास करने के बाद उन्हें उद्योग निरीक्षक का पद मिला है, जहां सालू बतौर अधिकारी काम करेगी। उनकी कामयाबी पर माता पिता काफी खुश हैं, लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सालू के पिता सामराव मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च पूरा हो पाता है। गरीबी सालू के सपने के आगे रुकावट बनी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वह मेहनत के साथ पढ़ाई करती रही। सालू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिला परिषद स्कूल से पूरी की, इसके बाद आनंद निकेतन कॉलेज वरूरा से इंटरमीडिएट पास किया, ज्ञानेश कॉलेज नवरगांव से बीएससी की डिग्री ली। मौजूदा समय में वह पुणे के फर्गुस कॉलेज की छात्रा है। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सालू ने नेचर फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग ली। उनकी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए ब्राइटेज फाउंडेशन की ओर से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद से सालू पुणे जैसे शहर में साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। अब वो एमपीएससी की परीक्षा प्राप्त कर अधिकारी बनी है। उनकी कामयाबी पर उनका परिवार काफी खुश है। गांव पहुंचने पर गांव वासियों ने उनका फूल माला बैंड और बाजा के साथ जोरदार स्वागत किया, उन्हें खूब बधाइयां मिल रही है। सालू ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, जिन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट किया। सालू की कहानी दूसरों के लिए प्रेरित करने वाली है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे एचएम न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।